हजरत, नौजवान साथी, इस युवा वार्ड के सभी हमारे नौजवान साथी आज खलील साहब और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग आए। मालेगांव शहर में कल असेंबली इलेक्शन के नतीजे आए और सबसे ज्यादा मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा वोट हर पेटियों पर मुझको गुरुवार वार्ड की आवाम ने दिया और मैं इसीलिए हम लोग गुरुवार वार्ड से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए खुशी तौर पर यहाँ पर आए। मैंने कल भी मेरे इंटरव्यू में कहा कि हम लोग इलेक्शन हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। और कल एक बात मैंने और कही क्योंकि मैंने कोई इलेक्शन नहीं जीता मैंने कोई इलेक्शन नहीं जीता लेकिन आपका दिल जरूर जीत लिया। फैसला आया और मालेगांव शहर की आवाम ने आप 70,000 वोट मुझको दिया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से आज गुरुवार वार्ड में अशोक नगर डिपू, सबीर नगर, चमन नगर, गुना आजाद नगर, मुंशी शाहबान नगर और इस इलाके के अंदर अयूब नगर, गांधी नगर, नया आजाद नगर, तवक्कल नगर, इस इलाके के अंदर गुरुवार वार्ड जिसे हम बोलते हैं वहाँ पर हर पेटी के ऊपर मुझको लीड रही। आप लोगों ने ज़्यादा वोटे दी बनिस्बत शहर के सबसे बेहतर यहाँ पर आप लोगों ने काम किया और वोटे दी, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों ने कल मेरा इंटरव्यू, मेरा बयान व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों ने सुना, देखा कि कल मैंने एक बात का फैसला कर लिया। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि 5 साल मैं ये समझा था, आप लोगों ने 2014 में मुझको चुन कर दिया और मेरी ऐसी समझ थी, एक सोच मेरी थी कि मैं शहर को बड़े बड़े तामीरी काम दूं, शहर को तालीमी, हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए काम करूं, सनत के लिए काम करूं, मेडिकल लाइन से काम करूं, शहर का विकास और डेवलप करूं। लेकिन इस वजह से 5 साल मैं आप लोगों को कम वक्त दे पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन कल नतीजे आने के बाद मैं
मैंने एक बात का फैसला किया कि अब जीना भी गरीबों के लिए और मरना भी गरीबों के लिए। कर लिया हूँ और ये मेरा कमेंटमेंट है, बिल्कुल साफ। इसलिए मैं ये कमेंटमेंट कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि 5 साल मैं तो चाह रहा था शहर तरक्की करे, शहर के बच्चे तालीम के अंदर आगे बढ़े, पावरलूम की सनत हमारी तरक्की करे, शहर हमारा तरक्की करे, विकास हो, डेवलप हो। लेकिन कल एक अक्सरियत आवाम ने डेवलप को, तालीम को, सनत को रिजेक्ट कर दिया। यानी शहर को एक मैसेज मिल गया, मुझको मिल गया कि शहर विकास नहीं चाहता, ये शहर डेवलप नहीं चाहता, ये शहर तालीम की तरक्की नहीं चाहता, ये शहर सनत की तरक्की नहीं चाहता। ये कल मुझे शहर की आवाम ने फैसला सुना दिया। और इसके लिए अब इस बात का मैंने फैसला कर लिया कि अब जीना भी है गरीबों के लिए और मरना भी है गरीबों के लिए। ये बात तय है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ। बहरहाल इलेक्शन हम लोग हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारा। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों को, मेरे साथियों को, इस गुरुवार वार्ड नहीं बल्कि शहर के नौजवान जो मेरे साथ इलेक्शन लड़ा, आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, जहदोजहद की, कि आप लोग बिल्कुल मायूस मत होइए, बिल्कुल आप लोग हौसला रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों के बीच में आकर मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी भूल थी, उन लोगों को ये मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी भूल थी कि मुझे तुम इलेक्शन हरा के ये सोच रहे होगे कि मैं सियासत से खत्म हो जाऊँगा। मैं आज, कल इलेक्शन हुआ, आज मैं निकल चुका, और 5 साल तुम्हारे गलत कामों को से मुकाबला करूँगा और तुम्हारे खिलाफ में सियासी लड़ाई मेरे साथी के साथ मिलकर, नौजवानों के साथ मिलकर मैं लड़ूंगा। 5 साल ही मैं, अल्लाह ने बहुत हिम्मत ताकत, अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत और ताकत दी। आप लोगों ने देखा कि 3 महीने से मुसलसल मैं हर घर जा रहा था, मेहनत कर रहा था, काम पहुंचा रहा था, मेरी समझ गलत थी, कल मुझको समझा, अल्लाह ने कितनी ताकत दी। रोजाना मैं 10-10 किलोमीटर चल रहा था, मुसलसल मैं चलता रहा, 50,000 घर मैंने मुकम्मल किया, कितनी हिम्मत और ताकत अल्लाह ने दी मुझको। और दोबारा अल्लाह ने कल जो हिम्मत और मुझको ताकत दी हारने के बाद भी, अल्लाह का फैसला है, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह का जो फैसला है हमें कबूल है। और अल्लाह ने वापस इतनी हिम्मत और ताकत दी कि आज से मैं दोबारा शहर में आपकी खिदमत करने के लिए निकल चुका हूँ। और आप लोग यकीन जानो कि रात में 12 बजे मैं सो गया था और सुबह 7 बजे तक सोया, बिन फिक्र, एकदम नो टेंशन। पहले भी तो टेंशन रहता था, क्योंकि हाथ बंधे थे, जिम्मेदारी थी कि किसको बाल बराबर भी धक्का नहीं लगने होना। अब तो हाथ खुल गए, अब तो किधर भी चलेंगे किसको भी धक्का तो लगने ही वाला है, लगने वाला, जिम्मेदारी नहीं है। और ठेकेदारी भी अब अपनी नहीं कि गांव का अमन रखो, गांव की शांतता रखो, गांव के अंदर अमन रखो, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये ठेका शहर की आवाम ने उनको दे दिया और अपने को आजाद कर दिया। बहरहाल मैं गैर वाजबी तौर पर किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, मेरा उसूल है। लेकिन जो लोगों ने हमारे वर्कर को सताया, हमारे वर्करों को मारने की कोशिश की, हमारे वर्करों को धमकाया और हमारी जातियात पर बोला,
उन लोगों के चंद दिन छुट्टियों के गुजर जाने, तो दिवाली की गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं और मैंने जलसे में जो कमेंडमेंट बोला उस पर अमल शुरू होने वाला है और उन लोगों को मैं सियासी तौर पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपसे अपील करता हूँ कि आपको मजीद एक हफ्ते के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन के आपको गुमराह कर दिया गया, आपको समझा भी नहीं। आप जब सत्ते में आ गए, जब आपको अफसोस हुआ, जब आपको हैरत हुई कि यार हमारा भाई तो इलेक्शन हार गया, ये कैसे हो गया। असल में ये चालबाज लोग, धोखेबाज लोग हैं। दो इलेक्शन हुआ एकदम साफ सौ, दो मुद्दे के ऊपर इलेक्शन हुआ। मैं कहीं ये सबको मानता उनता नहीं कि रोड पे हुआ, गडर पे हुआ, फ्लाईओवर पे हुआ, अमुक पे हुआ, ये सब फालतू बातें, मैं सब चीज को मानता उनता नहीं हूँ। दो चीज पर इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन ये हुआ कि अंदरूनी हमारे खिलाफ में फील्डिंग लगाई गई जो नजर नहीं आई। दूसरी आप नौजवानों को झोपड़पट्टियों में जज्बात से खेला गया और जज्बात में तुमसे एक तरफ वोट ले ली गई और दूसरी तरफ अंदर से मेहनत की गई। ये दो फैक्टर चले जो इलेक्शन हम लोग हारे। मैंने चाहा था और चाह रहा हूँ और मरते दम तक ये चाहूँगा शहर के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक रहना चाहिए, उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोबारा मैं कोई सरकारी ओहदे तक पहुँचूँ तो आप लोगों को आज से बेदार रहना पड़ेगा। किसी के झांसे में आना पड़ेगा नहीं, किसी के बातों में आना पड़ेगा नहीं। कुछ लोग आएंगे कि यार वो तो अभी उनका इलेक्शन था, हमने कहाँ कुछ बोला, अब तो यह हमारा इलेक्शन है, अब तो ऐसा मत करो। लेकिन अगर ये इलेक्शन, याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन मैं नहीं हारा, आप इलेक्शन हारे हो। अगर मेरा बदला और आपका बदला लेना है तो जो लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो लोगों ने मीर जाफर मीर सादिक का रूल अदा किया, ऐसे लोगों से तुमको बदला लेना है, सियासी बदला। ये सब लोग अपनी जाति मुफाद के लिए आप लोगों के पास आए, ये आप लोगों के पास आकर आप लोगों को आपकी ओटों में सेंध लगाए, ये अपनी जाति मुफाद के लिए ओहदे हासिल करने के लिए आए। आपसे कोई हमदर्दी इन लोगों को ना कल थी, ना आज है और ना कल रहने वाली है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये शहर के अंदर अगर आप चाहते हो कि वापस हम लोग इक्तदार पे पहुँचे तो आप लोगों को आज से बेदार रहना होगा और उसके बाद हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह आप लोग इत्मीनान रखो, जो वादा जो फैसला कल मैंने लिया कि गरीबों के लिए जीना गरीबों के लिए मरना, उस कमेंटमेंट को पूरा करूंगा। आप लोगों के बीच में मैं 5 साल मुसलसल आप लोगों के काम करता रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके पास आऊंगा, आप लोगों के मसाइल हल करूंगा, चाहे वो छोटे मोटे तुम्हारे क्यों मसाइल ना हो, राशन का हो, देवा फंड का हो, राकेल का हो, जन्म दाखिले का हो, हॉस्पिटल का हो, जो भी आपका मसला हो, जो भी मसला आपको, मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, आपके काम करता रहूंगा। मेरी ऑफिस आप लोगों के लिए खुली है और हिम्मत से ताकत से मायूस ना होते हुए हमको आगे बढ़ना है और वापस हमारी मंजिल को हासिल करना है।